प्लानिंग के जरिए आप न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियों और गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा योर मनी यानी आपका फाइनेंशियल गाइड। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज के शो में। बताएंगे आपको कैसे रोबोट कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या है जिपसिप और क्या है इसकी खूबियां, और कैसे चुने सही फंड को और बनाए अपने भविष्य को सुरक्षित। इन तमाम मुद्दों पे योर मनी में आज हम करेंगे चर्चा। और आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं माई यूनिवर्स के बिजनेस हेड राहुल पारेख और रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का ही शो में स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले राहुल पारेख से, जहां पर मैं ये समझना चाहती हूँ राहुल से, आदित्य बिरला मनी माई यूनिवर्स के जरिए फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है। आदित्य बिरला मनी माई यूनिवर्स एक काफी पायनियरिंग कॉन्सेप्ट है। हम ये चाहते हैं कि फॉर डिजिटल यूजर्स कैसे वो अपना पूरा पोर्टफोलियो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए वो उसमें मैनेज कर सके, पूरी मनी मैनेजमेंट एंड टू एंड, जिसमें उसकी पूरी फाइनेंसिस दिखती है, जिसमें उसकी एडवाइजरी आती है और जिसमें वो ट्रांजैक्ट कर सके। ये पूरा हम उसको एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू माई यूनिवर्स के थ्रू उसको डिलीवर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने 3 साल पहले लाया था इस कंट्री में और ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, ना ही इंडिया में बट ग्लोबली। और आज 2 मिलियन यूजर्स है जिसकी 18,000 करोड़ एसेट्स हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैनेज करते हैं। आज ये इंडिया का नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म है और हमने काफी इनोवेशन किए हैं इसमें, जिससे हम इन्वेस्टर को मनी मैनेजमेंट सिंप्लीफाई करवा सके। तो ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना पूरा पैसा मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन। हर्ष, आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, ऑनलाइन पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना अब आसान हो गया, कितना ट्रेंडी हो गया, लोग कितना समझते हैं इसे? कविता, अगर हम देखें तो जहां पे जो लिमिटेशंस इंडिविजुअल को इंटरेक्ट करने में आ रही थी, जब आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आप किसी से मिलते हैं और उनसे फिर डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक प्लान बनता है, तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सो जो भी लिमिटेशंस एक पर्टिकुलर मेथड में है, वो लिमिटेशंस को आपको दूसरे मेथड से अगर यू नो सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली एक मार्केट क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कई लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो आप समझ लीजिए जो टेक सेवी हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, लेकिन टियर 2 या टियर 3 सिटीज में हैं, जहां पे उन्हें एक्सेस नहीं है कि वो किसी से मिल सके जी। इस सिचुएशन में अगर उन्हें एक फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज चाहिए जो वो अपने घर बैठे कर सकते हैं, अपने वक्त पे करना चाहते हैं, रात को करना चाहते हैं, दिन में करना चाहते हैं, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे जाते हैं वो, और वो ऑटोमेटेड सिस्टम से अगर वो कंफर्टेबल हैं, थोड़े भी अगर फाइनेंस को जानते हैं, समझते हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो एक अगर ओवरऑल गैमिट में देखें, हर पार्टिसिपेंट का एक रोल होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक पर्टिकुलर मार्केट एड्रेस करता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन एक दूसरा मार्केट एड्रेस करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट्स है, वो भी कुछ ना कुछ यू नो मार्केट को एक हिस्सा है। सो देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी, देयर इज अ क्लाइंट फॉर एवरीबॉडी, देयर इज अ बिजनेस फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल, यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक तरह से हम देख रहे हैं डिजिटल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल, माई यूनिवर्स ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिपसिप का लॉन्च किया है, ये समझाए इसकी क्या खासियत है? जब हमने देखा कि इन्वेस्टिंग इस कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है या इन्वेस्टिंग का पेनिट्रेशन इतना कम क्यों है, हमारा निष्कर्ष ये था कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस, और कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि कौन सा फंड चुने, किस तरीके से चुने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है। तो हमने ये किया कि हम कैसे इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिपसिप करके, विच इज स्टैंडिंग फॉर स्मार्टर इजियर एंड क्विकर वे टू डू इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं जो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनाते हैं और वो एक 1 क्लिक के बेसिस पे उसका पूरा इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं SIP में, विच अकॉर्डिंग टू अस हमारे हिसाब से ये सही तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का और वेल्थ क्रिएशन करने का। तो आइडिया पूरा जिपसिप के पीछे ये है कि कैसे पूरा चीज सिंप्लीफाई किया जाए। इसमें हमने 2-4 और इनोवेशन किए हैं, जैसे कि पूरा पेपरलेस इन्वेस्टिंग कर लिया है, KYC जो नॉन KYC इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लिए भी पूरा ऑनलाइन KYC करवाते हैं हम। अच्छा, ताकि उनके लिए एकदम इजी हो जाए इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे हर टीम में से 2 इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर होते हैं और आज 6 महीने जब से हमने ये लॉन्च किया है, टुडे वी आर इन द टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ न्यू SIPs।
हमको लगता है कि ये ग्रोथ हमें इसके लिए मिला है क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है. लोगों को इन्वेस्ट करना होता है बट चूंकि वो समझ नहीं पाते किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कर पाते हैं. तो हम ये करते हैं और उसके पूरे तीनों जो डील्स होते हैं डिस्कवरी की कौन सा फंड सिलेक्ट करे, डिजाइन की किस तरीके से इन्वेस्ट करे इजिली, और डिलीवरी जो होता है कि यू नो कैसे मुझे एश्योरेंस मिले कि मैंने पैसे डाले हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, ये पूरा चीज हमने ऑनलाइन कर लिया है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छी तरह से इसे एक्सेप्ट किया. निवेशक ट्रैक भी कर सकते हैं अपने निवेश को ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट पे या तो ऐप पे, दोनों पे वो ट्रैक कर सकते हैं ताकि कभी भी उनको उसके पोर्टफोलियो की लाइव वैल्यू मिले. कोई फीस आप चार्ज करते हैं इसके लिए? नहीं, इसके लिए हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, ये मार्केट एक्सपेंशन गेम है. बिल्कुल हर जहाँ पर हम कहते हैं कि निवेश की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो SIP के जरिए कीजिए और यहाँ पर हर महीने लगातार आप पैसे निवेश करते रहेंगे तो बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा भी आपको मिलेगा. जिप सिप जैसा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है जहाँ पे कस्टमाइज पोर्टफोलियो और एक क्लिक के जरिए आपके आपका निवेश जो है शुरू कर दिया जाएगा? कितना कैची ये कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, कितनी जल्दी पॉपुलर होगा? जैसे कि उन्होंने बताया कि टॉप 10 सिटीज में आ ही चुके हैं ऑलरेडी, तो मतलब रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप इसको कैसे देखते हैं? वेल कविता, फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर हम प्रोसेस देखें, पहला प्रोसेस है कि आप एक इंडिविजुअल की रिस्क असेसमेंट करते हैं, आप उनकी जरूरतें समझते हैं, आप फिर बाद में ये देखते हैं कि अगर हम SIP इक्विटीज की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इक्विटीज के बारे में जानना चाहता है, हाँ. जो समझना चाहता है, और कई लोग ऐसे हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं लेकिन इक्विटी में निवेश नहीं करते हैं. सो ये जो फेज होता है यहाँ पर, या तो आप उन्हें क्वालिफाई करते हैं कि भाई आप इक्विटीज में निवेश करना शुरू करिए, इनके फायदे ये हैं, उनके नुकसान ये हैं, इनके रिस्क ये हैं. तो दिस इज वन कैटेगरी जहां पे आप उसको एडुकेट करते हैं, कस्टमर को एडुकेट करते हैं. जब वो मान जाता है कि उसे इक्विटीज में निवेश करना है तब वो एक प्लेटफॉर्म पे आता है और तब उसे एक पोर्टफोलियो बनता है. सो जहां तक ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स कम इनटू पिक्चर जब वो कस्टमर ऑलरेडी समझ चुका है कि उसे इक्विटी में SIP करना है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में निवेश करना है. बेसिक होमवर्क तो यहां निवेशक को करके ही जाना होगा. एब्सोल्युटली, क्योंकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है यहां पर. ये जो आपके सवाल होते हैं, जो आपके डर होते हैं, वो आप चाहते हैं किसी से वन टू वन बात करें. सो अगर हम प्लेटफॉर्म का पोजिशनिंग देखें, प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो ऑलरेडी समझते हैं कि उन्हें इक्विटीज में निवेश करना है, वो ये समझते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी है. अब उन्हें जानना है कि कितना अमाउंट करना है और कौन से फंड में करना है. ये चीज आपको एक रोबोटिक एडवाइजरी दे सकता है, ये चीज आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकता है. नाउ द क्वेश्चन देन अराइजेस कि आप एक कस्टमर से या कोई भी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें इक्विटीज में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज का जो डिस्कशन है वो आपको एक इंटरपर्सनल रिलेट और डिस्कशन के बाद ही होता है. बिल्कुल, तो यहाँ पे जिप्सिप की हमने बात की है, लेकिन अपने जवाब में आपने एक बहुत अच्छी चीज मेंशन की है कि अपने डर, अपने कंफ्यूजन को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए वन ऑन वन बेसिस में आपको इंटरेक्शन करनी होती है अपने प्लानर से. लेकिन क्या ये प्लानर एक रोबोट हो सकता है? क्या एक रोबोट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है? जैसे कि हम ट्रेंड देख रहे हैं, ICICI सिक्योरिटी ने रोबोट एडवाइजरी की शुरुआत कर दी है और माई यूनिवर्स में भी एक खास प्लेटफॉर्म और ये सर्विस की शुरुआत की गई है. मुझे ये समझाइए राहुल, ये बहुत ही ग्लोबली अगर देखा जाए तो काफी कैची ट्रेंड है और वहां पर काफी ज्यादा चलन है रोबोट एडवाइजर्स का, लेकिन भारत में चूंकि अभी ये चीज शुरू हो रही है, अब तक का रिस्पांस कैसा है और एक रोबोट मुझे मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कैसे समझाएगा, मैं कैसे विश्वास कर लूं एक रोबोट का? इसमें कविता, पूरा गेम सिंप्लीफिकेशन का है. रोबो एडवाइजरी पॉपुलर है US में क्योंकि इट इज वेरी सिंपल कि मैं ऑनलाइन जाता हूं, आई ट्रस्ट दी प्लेटफॉर्म और मैं इन्वेस्ट करता हूँ. हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग आते हैं, काफी लोगों को म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, वो भी नहीं पता होता है. एंड बिकॉज दे ट्रस्ट आदित्य बिरला ब्रांड एंड बिकॉज दे ट्रस्ट इन आवर एडवाइजरी व्हिच इज यू नो आवर रिसर्च इज वन ऑफ द अवार्ड विनिंग रिसर्च, सो बिकॉज दे ट्रस्ट इन दैट, उनके लिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो कैसे इसके थ्रू सिंप्लीफाई करके इन्वेस्ट करें. एंड बिकॉज ये चीज लेस देन 2 मिनट्स में आप कर सकते हो फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टू दिस थ्रू कपल ऑफ क्लिक्स, एक प्रोसेस सिंपल बन जाता है जिसकी वजह से आपका पेनिट्रेशन बढ़ता है मार्केट में. तो मेरा मानना यह है कि जिस चीज को अगर आपको स्केल करना है और उसको स्केल बढ़ाने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और वही हमने किया है जिप्सिप में. और बिकॉज हमने उसको प्रोसेस को इतना सिंपल कर दिया है कि इन्वेस्टर अडॉप्शन बढ़ गया है. अगर आप देखो 25 to 40 years आज वो जाता है ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे कुछ भी बाय करने के लिए, ही इज नॉट बाइंग इट फ्रॉम रिटेल स्टोर्स. तो उसके लाइफ में टाइम इज अ प्रेशियस थिंग. जैसे इन्होंने बताया टीयर टू टीयर थ्री में आज की तारीख में एक्सेस भी नहीं है इस इन्वेस्टमेंट को. तो अगर आपको पेनिट्रेशन बढ़ाना है, अगर डिपॉजिट आपके इतने सारे मार्केट में है और इक्विटी और म्यूचुअल फंड सिर्फ लेस देन 5% है, अगर आपको पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा. और वही सिंप्लीफाई
क्वालिफिकेशन से आपका स्किल बनेगा. तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हम आप उसको रोबो एडवाइजरी नाम दे दो या ऑटोमेटेड एडवाइजरी दे दो नाम, बट इसके थ्रू कर रहे हो. और उसका और एक फायदा ये होता है कि काफी बार स्पेशली आफ्टर 2008 ह्यूमन एडवाइजरी में थोड़ा लोगों को ट्रस्ट कम हो रहा है. और काफी बार ये भी हो जाता है कि आपका ह्यूमन बायस आ जाता है जब आप एडवाइजरी दे रहे हो. तो उस मामले में रोबो एडवाइजरी आपका एडवाइस विदाउट एनी ह्यूमन बायस देता है. एंड मेरे हिसाब से वो एक फायदा है रोबो एडवाइजरी का कि एक अल्गोरिदम ड्रिवन है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, नो ह्यूमन बायस. तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू दैट. एल्गोरिदम ड्रिवन है यहाँ पर, जैसे कि राहुल ने भी समझाया. हर्ष, मुझे ये बताइए कि रोबो एडवाइजर या ऑटोमेटेड एडवाइजर जैसे कि राहुल भी बोल रहे हैं, इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जहाँ पे आपको अपने गोल्स डिसाइड करने होते हैं, बाद में किस तरह की इंश्योरेंस लेनी होती है, ये सब चीजें किस तरह से काम में आती हैं? कविता, एक बैकएंड में एक एल्गोरिदम बनाया गया है, बेसिकली जो इंटेलिजेंस होता है, बेसिक आप एक एक उनके पैरामीटर्स होते हैं. आप जब फीड इन करते हैं अपना डेटा, अपनी प्रेफरेंसेस, आपको आई एम श्योर रिस्क प्रोफाइलिंग होती है जिसमें आपको कई सवाल पूछे जाते हैं टू असर्टन हाउ मच रिस्क कैन यू टेक. तो वो सारी चीज को जब आप एंटर अपना डेटा आप इनपुट करते हैं, वो आपका जो सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स जो उसको एल्गोरिदम सेट्स किए गए हैं. उसके बेसिस पे वो आपकी प्रोफाइल को जनरेट करेगा और उसके बेसिस पे आपको एक आइडियल पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि एक होता है एक आइडियल सिचुएशन और उसमें उसके बेसिस पे आपको एक आउटपुट मिला है कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग ये है, आपको इस तरह से आपका एसेट एलोकेशन करना है और इस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना है. अब इंडिविजुअल्स की जब हम बात करते हैं उसमें सिचुएशंस डायनामिक होती हैं. आज जो आपने डिस्कस किया रोबो एडवाइजरी वर्सेस अ ह्यूमन टच, वर्सेस अ ह्यूमन टच, हम यही कह रहे हैं कि हर चीज की लिमिटेशंस है, हर चीज के एडवांटेजेस है, हर चीज के डिसएडवांटेजेस हैं. सो कहां पे कोई चीज आके अटक जाती है, ये इस सिचुएशन में अटक जाएगी जब आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं. अब अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं, कई चीजें होती है जो काफी कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, जो सिर्फ ए एंड बी की तरफ या ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, उसमें आपको एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है, सिचुएशंस होती है. तो ये चीज आपको एक इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन करना होगा. सो ऑल इन ऑल हर चीज का एक मार्केट है, हर चीज का एक रोल है, हर चीज एक हर एक प्लेटफॉर्म है या इंडिविजुअल है, दे फिट इनटू सम रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. मार्केट है, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं एंड रोबो एडवाइजरी डेफिनेटली एक सिस्टम को, एक वैक्यूम को फुलफिल डेफिनेटली. बिल्कुल, और एक उभरता हुआ ट्रेंड है जहां पर हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का दायरा बढ़ गया है और इस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस पर तमाम टिप्स देने के नए नए वेन्यूज भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे. मणि में आपका फिर से स्वागत है और अब जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से जो कि रवि है छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर. रवि, गुड इवनिंग, बताएं कैसे हैं आप और क्या करते हैं? हेलो, गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली आई एम इंजीनियर, आई एम वर्किंग इन पावर प्लांट. ओके, एंड माय मंथली सैलरी इज मैम 40,000. ठीक है. एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस 3 इयर्स. ठीक है. एंड द फंड्स आई हैव मेल्ड टू यू. आपको रिटायरमेंट पैसे जोड़ने हैं ना रवि? या मैम आपको 2 करोड़ रुपए आपने कहा है कि जोड़ने हैं. इसमें आपने महंगाई को कैलकुलेट किया हुआ है, आपका अभी का खर्च कितना है हर महीने का? मैम नियर अबाउट 10 to 15,000. ठीक है. और ये जो फंड का सिलेक्शन है आपने खुद रिसर्च करके ये फंड जोड़े अपने पोर्टफोलियो में रवि? यस मैम, इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट सिंस लास्ट 6. अच्छा, आपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है. ठीक है. राहुल से मैं जवाब लेना चाहूंगी. जैसा कि रवि ने कहा कि मेरे ख्याल से काफी अवेयर इन्वेस्टर लगते हैं, इन्होंने शेयर मार्केट में पैसे डाले हुए, साथ ही इनका म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है. लेकिन कुछ फंड हाउसेज की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है. इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है, कैसा लगता है आपको फंड सिलेक्शन? सबसे पहले इनके फंड्स जो मैंने देखे थे, बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, बिरला सनलाइफ इक्विटी, एचडीएफसी इक्विटी, एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्चुनिटीज और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड था. आई थिंक सभी फंड अच्छे सिलेक्ट किए उन्होंने, अच्छे एएमसी से सिलेक्ट किए हुए हैं. मेरा खाली एक ही रिकमेंडेशन होगा उनको कि एचडीएफसी इक्विटी अभी रिसेंट पास में अच्छा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है. okay. तो उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. और दूसरा, उन्होंने आईडीएफसी निफ्टी में भी पैसा डाला हुआ है, तो वो पैसिव फंड है, तो उसमें से उसके जगह पे वो कोई मिड कैप फंड ले सकते हैं ताकि उनके पोर्टफोलियो में 2 मल्टी कैप फंड हो, बिरला सनलाइफ इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, 2 मिड कैप फंड हो जैसे की
एक एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्चुनिटीज है जो अच्छा फंड है, दूसरा फ्रैंकलिन प्राइमर फंड है, और तीसरा उनके फंड में दो लार्ज कैप पोर्टफोलियो भी होने चाहिए, जैसे कि फ्रंटलाइन इक्विटी एक है और दूसरा वो कोटक सिलेक्ट फोकस ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा उनके लिए, और उसमें ब्लाइंडली एसआईपी करना चाहिए। मेरे हिसाब से उनका टाइम फ्रेम 30 साल का है जी, और फिलहाल 12,000 रुपए हर महीना निवेश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर उनको 2 करोड़ चाहिए 30 साल के बाद में, तो उनको 10,000 इन्वेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड, और मेरे हिसाब से इक्विटी में उतना 30 साल के लिए काफी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो अच्छे फंड सिलेक्ट करें, 30 साल के लिए एसआईपी करें, एंड दैट शुड गेट देम टू गेट 2 करोड़। चलिए रवि, तो यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने होंगे, आपको लार्ज कैप फंड जो बदलाव करने को कहा गया है उनमें आप कीजिए और निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है, लिहाजा आपका गोल अचीव हो जाएगा। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहें। वेलकम बैक, योर मनी में लेते हैं मनीष राठौर का सवाल। हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष मौजूद है। मनीष नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम यूपी से डिस्ट्रिक्ट में बरेली से बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए क्या सवाल है। मैम ये सवाल है, मदर मेरी सैलरीड है, उनकी इनकम मंथली 43,000 रुपीज है। ओके तो मैम मुझे 9 साल बाद वो रिटायर होने वाली है, तो मंथली 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए चाहिए मैम, किस फंड में पैसा लगाएं? 9 साल का टाइम होराइजन है और आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। फिलहाल में कुछ निवेश है आपका इंश्योरेंस के अलावा? हाँ मैम पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट है, जीवन सरल 15 से 31 रुपए हर महीने कटते हैं। कुल मिला के कितना प्रीमियम आप भरते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में? इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख हो जाता है मैम, अबाउट जीपीएम में भी करते हैं 1 लाख रुपीज 1 साल के अंदर। ठीक है, आपकी मदर के पास टर्म प्लान है? टर्म प्लान नहीं है। चलिए तो यहाँ पर उनको ये भी रेकमेंड करेंगे। हर्ष बहुत सारी रिकमेंडेशंस होगी मनीष के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है, तो लिहाजा 9 साल का टाइम होराइजन और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, 20,000 रुपीज निवेश कर सकते हैं। अप्रोच कैसी हो, कितनी सेफ अप्रोच हो, कितनी बैलेंस्ड अप्रोच हो? वेल मनीष जी, आपका जो टारगेट है वो है कि 9 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, और उसके लिए आप 20,000 रुपए हर महीने का निवेश कर सकते हैं। वेल अगर आप 20,000 रुपए बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, तो भी आपका 1 करोड़ रुपया 9 साल में होगा नहीं, बट नेवरदलेस आप शुरू कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स आप एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और मैं आपको 4 स्कीम्स के नाम बताता हूं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं ये 20,000 रुपए हर महीने के। आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप फंड में आप 5,000 रुपए निवेश करें, बिरला सनलाइफ एमएनसी फंड में 5,000, कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में 5,000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड इसमें 5,000। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई सेक्टर फंड या कोई सेक्टर से वाकिफ हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं, तो आप एक सेक्टर फंड जोड़ना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन उस जब आप करें तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड को आप अवॉइड करिए, कोई भी 4 स्कीम रखिएगा। ध्यान रखें कि ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया है, जिसमें अग्रेसिव का मीनिंग होता है कि वोलेटाइल होगा, इसमें आपको ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो आपको यू नो बहुत हाई टारगेट है इन लेस नंबर ऑफ इयर्स। तो अगर आप इस तरह के पोर्टफोलियो से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक कोई फाइनेंशियल प्लानर से मिले और उनसे ये इसमें चेंजेस करवा लीजिए जो आपके यू नो रिस्क प्रोफाइलिंग को सूट करता है और जो आपको कंफर्ट देता हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर मनीष 4 फंड आपको रेकमेंड कर दिए गए हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। आपकी मदर को एक टर्म प्लान भी लेना चाहिए अपने लिए, और ये टर्म प्लान उनकी सालाना आय का 10 से 12 गुना ज्यादा का कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी है मनीष, मैं चाहूंगी कि आप डिटेल से योर मनी को ये सवाल भेजे, बिकॉज आपने कहा कि आप 1 लाख रुपए प्रीमियम भरते हैं तमाम पॉलिसीज में, तो हमें जानना है कि ये आपको कितना कवर कर रही है, और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की सलाह हम कभी भी नहीं देते हैं, लिहाजा अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को आप हमें एक बार भेजिएगा, तो हम चेक करके आपको बताएंगे कि ये निवेश आप कहां कर सकते हैं, इन पैसों को आप कैसे बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज शो पर आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ ट्विटर आईडी @KavitaTH या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।